से डिस्ट्रिक्ट बनी है, घोषणा हुई है, एक करोड़ रुपया बीज हुआ, आपने कही तो एक आध मुझको दे दो बीज है। तो मैं कहने का मतलब है, देखिए मैं 35 साल हुए राजनीति करते और 35 साल में आदमी को अनुभव हो जाता है क्या करना है, किस तरीके से काम निकालना है, किस तरीके से समस्या का समाधान करना है। आज आप सबके बीच मैं खुले रूप से कह देना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि ऐसा कौन सा काम मैंने किया है जिससे कि आपस में जाती है यस और कोई संघर्ष कराया। मैं लोगों को जोड़ने का कहा और ये भी साफ कह देता हूं, कोई आता है मेरे पास भले बुरा लगे किसी को कि या तो राजीनामा कर लो भैया ने दो बंद करा दो और कहो के संग बिल्कुल अन्याय रहो बाकी मदद करता हूं और यही होना चाहिए। यहां घर घर में भाई भाई में झगड़ा करा करके राजनीति की लोगों ने, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा लेकिन आप सब जानते आपके यहां एडीए कोर्ट परमानेंट हो गया कुमेर में, आपके यहां इतनी चीजें हो गई मैं गिनाऊं तो शाम हो जाएगी, इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैंने कहा साहब 35 साल हो गया मुझे भी थोड़ा आराम कर लेते ये नहीं, एक जिम्मेदार आदमी चाहिए जो इन कामों को जो आपने मुझसे सैंक्शन कराए हैं इनकी पूर्ति हो सके। तो ये तो रही बात चुनाव, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधी बात पूछना चाहता हूं आपसे, दो प्रश्न ज्यादा नहीं। 2014 में माननीय मोदी जी यहां के देश के प्रधानमंत्री बने, हम सब के प्रधानमंत्री बने पूरे देश के, और उन्होंने दो वायदे किए थे, वायदा तो बहुत किए थे लेकिन दो वायदा किए थे जो गरीब आदमी से संबंधित थे कि मैं अरबों खरबों काला धन लेकर के आऊंगा और हर गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए ही आएगा। ये कही 2014 में, कही के ना कही आप बताओ, काउ के 1500 रुपया आए हो तो आप बता दो खड़े। एक ये कही थी, दूसरा भाई जो हमारे नौजवान खड़े कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लगाऊंगा, कही थी कि नहीं कही थी? एक को भी नौकरी लगी आप मुझे बता दो, नौजवान खुद बता क्या। छोड़ो उसका इंतजाम अब अपन ने कर दिया। आप ये देखिए हम ताज जोन में से निकल गए, एनसीआर में आते थे उसमें से निकल गए, उद्योग अब धकाधक आएंगे टीम और कुमेर, और उसका मतलब उद्योग आने का मतलब बच्चों को नौकरी मिले। मोदी जी वायदा करके गए थे ईआरसीपी ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे कि 13 जिले हमारे पूर्वी राजस्थान के सिंचाई के लिए ये करके गए थे वायदा के नहीं करके गए, अब वो पैसा देने से इनकार कर रहे, जबकि जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के जोधपुर से सांसद हैं। अब गहलोत साहब ने फैसला किया है कि हम इस ईआरसीपी का पैसा राजस्थान सरकार से, तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे अंत में कि देखो जिम्मेदारी और अनुभव ये दो चीज का एहसास होना चाहिए व्यक्ति में। लोग आएंगे और तरह तरह की बात करेंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 35 साल राजनीति करी अपने लिए नहीं करे, मेरे पास पुरखा गले ही छोड़ गए, जनता के लिए करी और चाहे जिला प्रमुख रहा हूं, 3 बार सांसद रहा हूं, चाहे विधायक रहा हूं, अब मंत्री हूं, आपने की कृपा से किसी को बाहर से तो आया नहीं,
आप लोगों का ही आशीर्वाद था, और आज मैं मंत्री नहीं हूं, आप सब मंत्री हो, चाहे कोई जाति का हो चाहे कोई धर्म। आज तो दर्शन करने पूजा अर्चना करने आया, आप लोग सब भी पधारे, चुनाव चालू हो जान दो, ज्यादा से बड़ी मीटिंग अपन दोबारा करेंगे। मैं अपना पर्चा भर रहा हूं 3 तारीख को 12 बजे डीग में आप पहुंचे, और दोनों चेयरमैन साहबों से, मैं तो खोले में कहने वाला आदमी हूं, दोनों चेयरमैन साहबों से कह रहा हूं भाई वो पर दाम है आंसू की बात क्या, वो पर तो ये है मेरे दाम, ये दो मोटे मोटे सेठ हैं, रोटी बंदिराम तुम्हें कहना सूदी बात है सुन लो, और मनो तू सारी वक्त खाली, ये सरपंच जितने बैठे हैं यहाँ, हाँ ये सब उनकी जिम्मेदारी है, आपको सब पधारे इतनी जल्दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आशीर्वाद बनो रहे, मैं आपको आप मेरे मेरे ना नोट और वोट को संबंध आपसे 14 पीढ़ी पुराना संबंध है, यही मेरा निवेदन है, राम राम।